Hi. Hi. Ma'am, Abhi. I'm gonna get garbage from inside. Yes, please, please. Hi, Kavish. Hi, Kavish. अरे लोग संजीत भैया से हो देखो तो यार ही लाइक दैट हां मत करो वो सिर्फ जब मेरे साथ कुछ हो रहा होता है ठीक है हाँ में चलते ना ठीक है उसको पहले देखेंगे अच्छा ये Yes. यहाँ पे यहाँ पे आगे क्या अभी जाइए अभी जाए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लॉकअप में बहुत ही अच्छा रहा आई थिंक इस तरीके का लॉकअप अगर हर इंसान की लाइफ में हो सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बहुत टफ था इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस या जो भी फैसिलिटीज़ थी जेल के अंदर बहुत ही डिफरेंट थी बट अपने आप को इन चैलेंजेस से गो थ्रू करते हुए आई थिंक मुझे भी अपने आप को परखने का एक मौका मिला आई डोंट थिंक मैनी पीपल गेट दीज अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर लाइफ टाइम एंड इट वॉज फन लेकिन बहुत तरीके के लोग थे एंड उनसे डील करना पड़ा आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोग एक ज़िंदगी लग जाती है ऐसे लोगों से मिलने के लिए या समझने के लिए हाउ यू शुड डील विद देम सो इन 5 weeks इट वॉज अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस फॉर मी इट वॉज फन आपको कंगना मैम के बारे में क्या कहना है हाउ वॉज एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर आई थिंक कंगना हैज़ बीन सो अमेजिंग हर वीकेंड पे जब हमारा चार्जशीट वाला दिन होता था जजमेंट डे मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करती थी कि इस हफ्ते कंगना क्या बोलने वाली है एंड वीक आफ्टर वीक शी हैज़ ओनली बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द जेल इन द लॉकअप तो मुझे हमेशा एक गाइडिंग फोर्स नज़र आता था उनमें चाहे वो जितना भी बोले आई एम नॉट हियर टू मॉरल पुलिस एनीबॉडी बट जो मैं चाहती थी या जो मैं कंफर्टेबल थी अपना साइड शेयर करने में आई थिंक दैट ट्रूली केम आउट एंड आई डोंट थिंक हाउ द होल एक्सपीरियंस वुड हैव बीन अगर कंगना नहीं होती तो आई थिंक शी इज़ अमेजिंग उनसे बेटर कोई होस्ट नहीं हो सकता ऐसे शो के अच्छा किसके साथ आप सबसे ज़्यादा क्लोज थे उस शो में किसके बारे में आई थिंक सारा से सबसे ज़्यादा मैं क्लोज थी मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी उनसे शी इज़ सच अ स्वीट गर्ल जैसी वो ऊपर है वैसी वो पीछे से हैं
एंड बाकी लोग आई एम श्योर एट सम ऑफ द अदर पॉइंट मुझे झटका लगा है उनके बिहेवियर से कि लेकिन ये तो ऐसे नहीं है या ये तो ऐसे नहीं बोलते या इनकी वाइब्स तो मेरे साथ ऐसी नहीं है. और अब मैंने शो देखना शुरू नहीं किया है, मैं देखना जब शुरू करूँगी तो मुझे ज़्यादा बेटर पता चलने लगेगा क्योंकि मैं अंदर थी, एक आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. बट यस, सारा वॉज द क्लोजेस्ट. आई वॉज क्लोज टू साइशा, आई वॉज क्लोज टू तहजीन, शिवम से बहुत क्लोज थी. एंड उनके सारे वो मॉर्निंग के जो मेरे लिए एग्स बनाते थे वो सब मैं मिस कर दी. टुडे व्हेन आई हैड माय ब्रेकफास्ट आई वाज रिमेंबरिंग हिम. बट सारा आउट ऑफ ऑल द पीपल. ओके थैंक्स. या थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग. जी थोड़ा इसको अंदर कराएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा खिला के वो अपने आराम से तब दे देंगे. और अब ये होल स्पॉटिंग बिजनेस से तो आप लोग और गर्मी में बाहर खड़े होते हैं. बट टीम इंसान तो काम है. गर्मी से मुझे वो याद एरिया याद आ जाता है बाहर, वहाँ पर तो बिल्कुल भी फैन एसी या थोड़ी भी खुली हो तो एक्सपीरियंस था. क्योंकि जब भी मैं उन बाथरूम्स में जाती थी या वो पानी की प्रॉब्लम्स फेस करने के काम में देख कर था और सुबह यू नो गर्म पानी आता था तो मुझे रियलाइज़ होता था कि पता नहीं लोग स्कूल में कैसे हेलो. हाँ राजन, किधर पहुँचे हो आप? He's gone. Yeah. Something that we do this together.
या एक साथ कर लेंगे क्या भाई? कौन क्वेश्चन पूछने वाला है? क्वेश्चन कोई पूछने वाला है? मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, एक दो पूछ लो। अमर जान पूछे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो उन्होंने पूछे हैं। नहीं नहीं, वो जो सवाल पूछा उसका प्रतीक है। पहले मैं अपने जर्नी के बारे में बोल ही देती हूँ, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जी मैम, तो फिर मैम मैं अरे आपने आया ना यार, नेशनल रिपोर्टर का रिपोर्टर। निशा मैम, तो सबसे पहले जर्नी की बात करें, आपकी लॉकअप की जर्नी कैसी रही मैम? लॉकअप की जर्नी बहुत ही वंडरफुल थी। दोबारा कोई जाने को बोलेगा तो सोचूंगी और नहीं जाऊंगी बस भी। और जाने के पहले अगर पता होता कि ऐसा होने वाला है तो फिर शायद सोचती, क्योंकि अक्सर ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल शोज से मैं बहुत दूर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि आई नेवर इवन गॉन टू बिग बॉस। 4 times मुझे ऑफर हुआ था, इंक्लूडिंग दिस ईयर, बिकॉज अभी तक जो मेरा बॉडी ऑफ वर्क रहा है वो यूजुअली मेरे कैंपेन्स या एडवर्टाइजिंग से ही रहा है। और टेलीविजन तो मैंने बहुत ही कम किया, एक ही रियलिटी शो किया था इसके पहले, डांस रियलिटी शो। तो बट इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी आई थिंक, स्पेशली एक्टर की लाइफ में या आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी की लाइफ में। आई थिंक दिस इज़ द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम, जहाँ पर सारा टाइम कैमराज ऑन है 24/7। बट मेरे रीजन ये शो करने के लिए प्योरली प्रोफेशनल थे, बिकॉज लाइक आई सेड, आफ्टर हैविंग अ बॉडी ऑफ वर्क 21 years बिहाइंड मी, उसके बाद क्या, देयर इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑफ OTT, मैं वो एक्सप्लोर करना चाहती थी। एंड देन देयर वाज मेटावर्स जिसका एक एंगल था, सो इट वाज नेचुरल फॉर मी टू प्रोग्रेस फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू एन OTT प्लेटफॉर्म। फिर धीरे धीरे प्रोमोज बाहर आए तो पता चला अच्छा कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज, जेल का सेटअप, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली इन क्रिएटिव मीटिंग्स इट वाज मोर लाइक वो देख रहे थे कैसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो अपनी ओपिनियन बोले या अपनी बातें सामने रखने से डरे ना। सो दैट वेंट वेरी वेल विद मी कि यू नो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ, बट नो रिग्रेट्स। मुझे खुशी है कि इतने अलग अलग लोगों से मेरी मुलाकात हुई और अपने आप को इन चैलेंजेस से जूझते हुए या बाहर निकलते हुए आई सॉ माईसेल्फ एज अ विनर, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी एंड ऑफ द जर्नी मैं दोबारा वापस देखूँ तो मुझे लगे कि शिट ये नहीं करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हुआ है एंड मैंने दिल से खेला है एंड आई एम क्वाइट प्राउड। कंगना जी की बात करो, ब्यूटीफुल जेलर है हमारी, तो क्या कुछ कहने का। आई थिंक कंगना इज अ रॉक स्टार एंड पहले जब पता चला कंगना हमारी होस्ट है तो मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि उनसे बेटर कोई होस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज वो बेबाक हैं, वो यू नो मुद्दों के बारे में के लिए खड़ी रहती हैं, जो उन्हें फील होता है वो उसके बारे में बात करती हैं, डरती नहीं है, बेझिझक होती हैं, उनके अंदर एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। बट जब मैंने उनको इतने करीब से 5 हफ्तों तक एज द क्वीन ऑफ माई जेल लॉकअप देखा तो आई वॉज इवन मोर श्योरर। द वे शी कैरी द होल शो फॉर सो फार इन माई प्रेजेंस हैज़ बीन ब्यूटिफुल। हर हफ्ते उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव था एंड दैट वॉज वेरी वेरी रीअश्योरिंग। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द वे शी इज़ कैरिंग इट, क्योंकि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी, इतने बदतमीज़ लोग भी हैं अंदर और यू नो कई कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट भी करते हैं, पर उन सब के बीच में द बैलेंस दैट शी ब्रिंग्स इज जस्ट वेरी ब्यूटिफुल। लॉकअप की कुछ याद अगर आप शेयर करना चाहें? लॉकअप की बहुत सारी यादें हैं, हर कोने में एक याद है। अब जब मैं कल परसों मम्मी देख रही थी शो और कल रात को इनफैक्ट, और मैं देख रही थी उनके फ़ोन पर तो आई वाज लाइक वाह, मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि मैं क्या मैं यहाँ पर थी, और बाहर आने के बाद लग रहा है कि क्या ये सच में मेरी लाइफ है। सो आई थिंक अभी आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू इतने सारे लोग, क्योंकि सब कुछ बंद था वहाँ पर एंड बहुत ही मिनिमम ह्यूमन और टच था, मतलब सिर्फ जो हम कहती थे उतने ही। और जब हम अरीना जाते थे उस दिन बस थोड़ा सा बाहर हम जाते थे, पर वो भी हमारे फेस पर मास्क होते थे। बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ, 5 हफ्ते 36 days आई डोंट नो मैंने वहाँ पर कैसे गुजारे, इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में, रोज़ उठना एंड वो डंडे की आवाज़। अब जब मैं गद्दे पे भी सोती हूँ मुझे लगता है ओह माय गॉड, मैं मतलब क्या मैं इसमें सो रही हूँ। पहली रात तो मैं आके नीचे ही सोई कारपेट पे, मैंने कहा आई डोंट थिंक मैं बेड पर सो पाऊँगी। सो आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू द सिंक वॉश बेसिन, क्योंकि वहाँ पर झुक कर नल से एंड इट्स डिफरेंट। आई थिंक इट जस्ट वॉज लाइक अ 360 degree एक्सपीरियंस। फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज? फैंस को मैं बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी इतने सालों में, और अब तो क्योंकि जब सोशल मीडिया इतना ईजी हो गया रीच आउट करना, अपना मैसेज पहुँचाना, प्यार देना भी। सो आई जस्ट वॉन्ट गिव बैक अ लॉट ऑफ लव, दिल से अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ऑल यू गाइज फॉर गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू, ओके, थैंक्स सो मच, थैंक्स गाइज फॉर। अरे दो क्वेश्चन नहीं।